पांव जमीन पर लेकिन सपना आसमान छूने का, यही है हमारे आज के हीरो की कहानी। कौन कहता है कि जो बच्चे पढ़ाई में अव्वल नहीं होते वो काबिल नहीं होते? कौन कहता है कि जो बच्चे परीक्षा में अच्छे प्रतिशत से पास नहीं होते वो नाम नहीं कमा सकते? और कौन कहता है कि फेल होने वाले छात्र हमेशा पीछे रह जाते हैं? हमारे समाज में काबिल होने का जो पैमाना है उसे हमारे आज के हीरो हर मायने में मात देते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको रावतसर के छोटे वैज्ञानिक के बारे में। प्रतिभा जो आपको चौंका देगी, आविष्कारों को देखकर आप दंग रह जाएंगे, मेहनत और लगन आपको प्रेरणा देगी। प्रतिभा परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, विषम हालातों में भी वो निखर कर सामने आती है और दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाती है। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी छोटे से गांव में रहने वाले ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की। आपने सुना भी होगा कि टैक्सी ड्राइवर के बच्चे ने ऊंचा मकाम हासिल किया। ये खबरें यूं ही नहीं बनती, इनके पीछे होती है प्रेरणा, इनके पीछे होती है मेहनत, इनके पीछे होती है लगन, क्योंकि इन चीजों का कोई विकल्प नहीं होता। हमारी आज की पेशकश मेहनत और लगन की एक ऐसी मिसाल के लिए है जिसने तमाम बाधाओं को पार करके दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास आपको दुनिया से अलग कर देते हैं और आप खास हो जाते हैं। मेहनत और लगन की मिसाल, कारनामे ऐसे जिस पर आप करें भरोसा। ये सुरेंद्र है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में रहते हैं। दिखने में शांत लेकिन दिमाग से बेहद शातिर और तेज। इनके दिमाग में नए नए कारनामे और छोटी छोटी चीजों में विज्ञान के इस्तेमाल से कारीगरी करने का खेल चलता रहता है। परिवार के लाडले हैं और परिवार को अपने इस होनहार पर भरोसा भी बहुत है। सुरेंद्र जब 5 साल के थे तभी से विज्ञान के खुरापात करते रहते थे, लेकिन तब इनको घर वालों की डांट खानी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए और बचपन के खुरापात और दिमाग के ख्याल ने तकनीकी का रूप लिया, घर वाले हैरान रह गए। सब तो रही से तो नहीं पढ़ाई, मैं भी कमजोर हूँ, मैं स्कूल छोड़ के आती वापिस आ जाऊँ तो फिर पूनम जी स्कूल में लग गया नहीं सते वहाँ पढ़ाए हो, फिर थोड़ा समझदार रहे हो, फिर भी रुचि को नहीं पढ़ाई में, फिर सामान बनाने में रुचि बनाते रहे हो और कामयाबी भी मिलती गई धीरे धीरे मिलती गई। अब और भी आगे बढ़िया काम हो। सुरेंद्र की माँ कहती हैं कि जब उनके बेटे से मिलने के लिए अखबार और टीवी वाले आते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है। सुरेंद्र की प्रतिभा जन्मजात है। घर वालों ने ये भी बताया कि एक बार फेल हो गए थे सुरेंद्र तो खूब डांट पड़ी थी, लेकिन अब वो अपने परिवार के लाडले हैं। पहले तो उसने बहुत तोड़ फोड़ की थी, उसे तो दुख हुआ पहले, और फिर उसने धीरे धीरे कामयाबी करी और फिर थोड़े थोड़े कोई अखबार वाले कोई और पूछने लगे, कोई कर्मचारी, और उसने फिर आगे बढ़ता गया। फिर ये मन में हुई कभी कामयाबी होगी, फिर ये भी कोई कहता ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई में कमजोर है, तो फिर ये मन पाछा गिरता था कि भी पढ़ी कौन रहे हो तो कामयाब क्यों होगा वो। अखबारों में सुर्खियां बटोरते सुरेंद्र के आविष्कार उनकी सोच को बताते हैं। अपने आसपास की परेशानियों को महसूस करके सुरेंद्र उनको अपने वैज्ञानिक दिमाग से एक नया रूप देते हैं। उनके सभी आविष्कारों में उनकी वो सोच झलकती है जो उन्हें समाज से जोड़ देती है। 20 साल के हो चुके सुरेंद्र का सपना उन लोगों को कुछ देने का है जो विज्ञान के उपकरणों को खरीद नहीं सकते। सुरेंद्र जब छोटे थे तो उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, लेकिन जिस प्रिंसिपल ने उन पर भरोसा जताया वो सुरेंद्र की तारीफ करते नहीं थकते। सिंह सुडा से मेरी जो मुलाकात हुई थी उसमें ये 8वीं क्लास में एक बार फेल हो गया था और पढ़ाई में अतोत्साहित था, तो जब मैं इसके संपर्क में आया तो यह
मतलब टीचर नाम से ही एकदम ऐसा था कि इसके सामने कैसे जाऊं, कैसे बात करूं, क्योंकि वही प्रश्न पूछेंगे कि आप पढ़ाई में कितने मार्क्स लाए हैं, ये वगैरह वगैरह। तो मैंने वो पढ़ाई का मैटर छोड़ा और उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि कोई पढ़ाई में अव्वल हो सकता है तो कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई वैज्ञानिक बन सकता है। तो सबसे पहले मैंने इसे देखा और कहा कि आपके मॉडल जो आविष्कार कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, विज्ञान के क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है मेरे ख्याल में उसी में आगे बढ़ना चाहिए। और इसको वो रास आगे बात मेरे संपर्क में रहा और यही कहना चाहता हूं मैं अभिभावकों से कि वो प्रेरणा लें कि आज की जो तोता जो पद्धति अपना रखी है अधिकाधिक मार्क्स लाने की, अधिकाधिक परिणाम लाने की, उसको छोड़िए और व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान दीजिए। इंद्र सिंह जिस मुकाम पे है सुनकर के और देख करके बड़ी खुशी होती है। परिवार और प्रिंसिपल की मदद से सुरेंद्र ने ठर्रे की पढ़ाई छोड़कर वो किया जो उन्हें अच्छा लगा और नतीजा आज सबके सामने है। चलिए अब आपको सुरेंद्र के आविष्कार दिखाते हैं। एक तरफ जहां लाखों बच्चे किताबों से जूझते हुए इनोवेशन करने के लिए इंजीनियर बन रहे हैं, वहीं सुरेंद्र किताबों से तौबा करके पेटेंट फाइल होने की तैयारी में है। कुछ नया करने का जुनून सुरेंद्र को किताबी पढ़ाई से दूर ले गया, लेकिन लोग कहते हैं कि इससे वो पढ़ाई में पिछड़ गए। इंजीनियर्स की तरह नए नए मॉडलों से उन्होंने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित टेक फेस्ट में भी हलचल पैदा कर दी। पांचवी कक्षा में बनाया था सुरेंद्र ने थ्रेसर। सुरेंद्र बताते हैं कि उन्होंने पांचवी कक्षा में थ्रेसर का मॉडल बनाया था और उससे वो खेत में खेल रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे फौजी ने उनसे कहा था कि अपनी प्रतिभा को मरने मत देना और ऐसे आविष्कार करते रहना। सुरेंद्र के दिल को फौजी की बात छू गई और तभी से वो आविष्कार करते हैं। फाइव क्लास में था तब मैंने यहाँ हमारे क्षेत्र के जो राय सिंह भैया है जिन्होंने कचरे से चलने वाला इंजन बनाया था, तो मैंने उनको देख के ही सोचा कि इन्होंने अभी कचरे से चलने वाला इंजन बनाया है तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने फाइव क्लास में एक थ्रेसिंग मशीन यानी कि थ्रेशर बनाया जो कि मेरा कुछ टाइम सक्सेसफुल रहा और वो मैंने ऐसे कचरे से डिब्बा वगैरह को जोड़कर ये चीज बनाई। तब से अब तक सुरेंद्र 40 मॉडल बना चुके हैं, जिनमें कुछ मॉडल तो ऐसे हैं जिनको पेटेंट के लिए फाइल किया गया है और एक दो साल में उसका नतीजा भी आ जाएगा। अब आपको सुरेंद्र के आविष्कारों से मुखातिब कराते हैं। ये है कचरे से निजात दिलाने की मशीन। ये कैसे काम करती है सुरेंद्र खुद आपको बताएंगे। ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके माध्यम से जो आज हम कोई भी प्लास्टिक है, रबड़ है आदि को हम यूज में लेने के बाद में ऐसे सड़कों पर फेंक देते हैं, जिससे क्या है कि बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए और मतलब सफाई रखने के लिए मैंने एक ऐसे नए डिजाइन की कचरा पात्र मशीन का एक छोटा प्रोटोटाइप तैयार किया जिसके माध्यम से हम कोई भी जो प्लास्टिक है, रबड़ है उसको इसके प्रोजेक्ट के माध्यम से सॉरी इस प्रोटोटाइप के माध्यम से नष्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर क्या सिस्टम है कि इसके अंदर एक आप देख सकते हैं कि एक बड़ी टंकी लगी हुई है, बड़ी टंकी लगी हुई है और इसके बाद में इसके अंदर तीन अलग अलग प्रकार के एयर फिल्टर लगे हुए हैं। नंबर एक पहला ऑयल फिल्टर, नंबर दो वाटर फिल्टर और नंबर थ्री केमिकल फिल्टर, और इसकी जो हवा है जो पोल्यूशन एयर है उसे इस टंकी के माध्यम से फिल्टर करके बाहर खींचने के लिए यहाँ एक कंप्रेसर लगा हुआ है। उस संपूर्ण सिस्टम के अंदर क्या सिस्टम है कि मान लीजिए हमें कोई भी प्लास्टिक है, रबड़ है उसको नष्ट करना है, उसको जलाना है या उसे खत्म करना है, तो उसके अंदर क्या सिस्टम है कि कोई भी प्लास्टिक है हम उसको इसके अंदर डाल देंगे और उसे जला देंगे। इसके बाद में क्या सिस्टम है कि जैसे ही इसके अंदर कोई भी प्लास्टिक रबड़ जलेगा तो इसका जो धुआं है वो सबसे पहले इस पाइपलाइन से होता हुआ ऑयल फिल्टर में आएगा। जैसे ही ये जो धुआं है वो ऑयल फिल्टर में आएगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है धुएं के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो इस एयर फिल्टर में सॉरी ऑयल फिल्टर में जमा हो जाएंगे। इसके बाद में जो जो गैस है या जो एयर है वो इस पाइपलाइन से होती हुई वाटर फिल्टर में आएगी। जैसे ही वाटर फिल्टर में आएगी जो धुएं के अंदर जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं वो जैसे पानी के संपर्क में आएंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे और पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे, और इसके बाद में जो ये एयर है वो केमिकल फिल्टर में आएगी। जैसे ही केमिकल फिल्टर में आएगी तो इसकी जो स्मेल है वो कम हो जाएगी और इसके बाद में इस पाइपलाइन से होता हुआ जो एयर है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से डिवाइड। मैं आपको बताना चाहूंगा
हूँ, कोई भी जो गैस है वो इस पाइपलाइन से होती हुई और इस फिल्टर के माध्यम से फिल्टर होकर के इस कंप्रेसर के द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक है वो आदि है उसको जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और उसका जो एयर पोल्यूशन है वो भी उससे इस डिवाइस के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बाकी जो मटीरियल बचेगा, सॉरी जो वेस्ट पदार्थ बचेगा, उसको हम जो ईंट बनती है वहां उसके अंदर मिक्स करके वहां उसको रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इस डिवाइस का अगर हम बड़े साइज पे बनाए या फिर उसका डिजाइन भी थोड़ा चेंज करें तो जो भट्टे चिमनी भट्टे आदि से जो धुआं निकल रहा है उसको भी हम इस डिवाइस के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। सुरेंद्र को ये प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से मिली। प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने में वैज्ञानिक सुरेंद्र ने कचरा निस्तांतरण मशीन बना दी। सुरेंद्र कहते हैं कि मशीन अभी छोटी है लेकिन वो इस पर और प्रयोग कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि एक रिमोट एलिगेंसी सिस्टम बनाया हुआ है, यानी कि इस मशीन के माध्यम से जहाँ पंजाब हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाके हैं जहाँ पर इस मशीन के माध्यम से हम सिंचाई कर सकते हैं। इस मशीन का काम ये है कि अगर हमने इस मशीन को एक बार अगर हमने खेत में सेटअप कर दिया है तो इसके बाद में ये मशीन जो है वो खुद खेतों की सिंचाई करती है। और जैसे कि मान लीजिए अगर हमने इस मशीन को एक बार खेत में लगा दिया तो यही मशीन पूरे खेत का सिंचाई करेगी। जैसे ही खेत पूरा पानी से भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये मशीन जो है बंद कर देगी, पानी को जो दिशा है वो चेंज कर देगी। और इसके अंदर जो भी इस मशीन के अंदर ऐसा ही सिस्टम ऐड किया हुआ है जिसके माध्यम से जो यूरिया खाद है, कंपोस्ट खाद है, केमिकल खाद है, ये तीनों खाद ये मशीन खुद देती है। ये मशीन चार तरीके से ऑपरेट होती है। नंबर एक ऑटोमेटिकली एक सेंसर के द्वारा ऑपरेट होती है। नंबर दो रिमोट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कोई व्यक्ति है वो दूर खड़ा है इसकी लगभग 1000 फीट दूरी से हम इसको रिमोट के माध्यम से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके अंदर मान लीजिए अगर बैटरी खराब हो जाती है या बैटरी बैकअप नहीं होता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है मशीन में तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हैंडल लगे हुए हैं। इस मशीन के अंदर हैंडल लगे हुए हैं, अगर हैंडल से भी काम नहीं चाहिए अगर इसके अंदर एक बटनों से भी ऑपरेट करने वाला सिस्टम भी इसके अंदर दिया हो तो इस प्रकार से इसके अंदर चार अलग अलग प्रकार के सिस्टम दिए हुए हैं। इसके अलावा अब मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि इसके ऊपर एक आप देख सकते हैं कि एक स्टैंड बना हुआ है जिसके ऊपर कोई भी टंकी है, केमिकल टंकी है जिसे जिसको अगर हम कोई भी केमिकल खाद है वो उसके ऊपर डाल इसके अंदर टंकी के अंदर डालकर और इसके ऊपर रख के और पाइपलाइन के माध्यम से पानी के साथ प्रोवाइड करके हम फसलों में एक उचित और एक सही मात्रा में दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें दो अलग अलग टंकियां बनी हुई है जिसके अंदर कुछ रोटेशन सिस्टम लगा हुआ है और इसके अलावा इसके अंदर यहाँ एक मोटर लगी हुई है जिसकी जो गिरारे हैं उनको ऑपरेट करती है। इसके अंदर क्या सिस्टम है कि जो यूरिया खाद है या जो कंपोस्ट खाद है उसको ये पानी के साथ जैसे जैसे पानी खेत के अंदर प्रवाहित होता है तो उसके साथ ये पानी के अंदर मिक्स करती रहती है मशीन उस यूरिया खाद और कंपोस्ट खाद को, तो वो पानी के साथ प्रवाहित होती रहती है जिसकी वजह से ये जो खाद है कंपोस्ट खाद है या जो केमिकल खाद है वो पानी के अंदर प्रवाहित होती है क्योंकि जो खेत है उसको एक उचित व सही मात्रा में खाद मिलती है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि किसान पहले से खेतों में यूरिया खाद या कंपोस्ट खाद डाल देते हैं और पानी की किल्लत होने की वजह से कमी होने की वजह से वो खाद जो है वो पानी सिंचाई नहीं हो पाती है और वो खाद ऐसे ही डाल देते तो वो खाद हमारी वेस्ट हो जाती है। तो इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, जितना खेतों में हमारी सिंचाई होगी ऐसा नहीं है कि हम पहले से खाद डालकर छोड़ दें और वो पानी ना आए तो वो खाद वेस्ट हो जाती है, तो इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। जितनी हम खाद डालेंगे तो ये मशीन जितना पानी खेतों तक जा रहे हैं उतनी ही मात्रा में ये खाद को आगे प्रोवाइड करती है। पेटेंट होने वाले हैं 4 मॉडल्स। आपको एक और बात बता दें, सुरेंद्र वार्मी में फेल हो चुके हैं लेकिन उनके आविष्कारों की धूम अहमदाबाद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन संस्था तक है। इस संस्था ने उन्हें अपना सदस्य बनाया है। मूक बधिरों के लिए भी बनाई किताब, सेंसर से पढ़ सकेंगे मूक बधिर। सुरेंद्र की डायलॉग किताब को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। सुरेंद्र कहते हैं कि उन्होंने इस किताब को उन लोगों के लिए बनाया है जो बोल नहीं सकते। डायलॉग बुक कैसे काम करती है सुरेंद्र से ही जान लेते हैं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक ऐसी डिवाइस का इनोवेशन किया है जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बोल नहीं सकता उसके लिए मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसके माध्यम से वो बोल भी सकता है और दूसरा सेलफोन भी बात कर सकता है। मैं आपको डेमो देना चाहूंगा क्योंकि देखिए एक इस तरीके की डायरी बनी हुई है, इसके अंदर कुछ पेज लगे हुए हैं आप देख सकते हैं कि कुछ पैटर्न लगे हुए हैं और इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है और इसके अलावा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग प्रकार के ईयरफोन लगे हुए और एक पिन लगी हुई है। इसके अंदर क्या सिस्टम है कि आपको मान लीजिए कोई भी मेरे साथ बात करनी है, आपको कोई भी रिप्लाई देना है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछना है
ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई भी चीज है, अगर आपने पूछ लिया कोई जवाब पूछ लिया हाउ आर यू, तो हम यहाँ से रिप्लाई दे सकते हैं। और मान लीजिए आपको उसी कुछ पूछना है, मान लीजिए इस तरीके से हम कोई भी बात है उसका सवाल का जवाब भी दे सकते हैं और कोई भी बात है वो पूछ सकते हैं। इसी खाली बस इतना ही करना है कि ये सेंसर है और इसके ऊपर कुछ पैटर्न लगे हुए हैं, उसके ऊपर इस सेंसर को उनको टच करवाना है और कुछ नहीं करना। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने ये मैंने एक स्टार्टिंग प्रोटोटाइप देके पहला इनोवेशन किया है और मैं इसको और मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि इसको जो पेज है वो कम से कम हो और इसे छोटे डिवाइस के रूप में बना लेना है कि डायरी के रूप में, क्योंकि ये छोटा एक्सपेरिमेंट है तो इसके लिए मैं इसको छोटी सी छोटी डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए अभी मैंने इसका प्रोविजन डाला हुआ है, इसकी एंट्री दी हुई है, तो ये लगभग एक साल के बाद में इसको लॉन्च कर दूंगा। राजस्थान का किया नाम रोशन, दूर दूर तक है सुरेंद्र के चर्चे। राजस्थान ही नहीं मुंबई में भी सुरेंद्र की प्रतिभा को सराहा गया। मुंबई में नेहरू विज्ञान केंद्र में एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था जिसमें राजस्थान से एकमात्र सुरेंद्र सूडा का ही प्रोजेक्ट प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। वायु प्रदूषण कम करने सहित कचरे का निस्तांतरण करने वाले मॉडल को देखकर प्रदर्शन में शामिल बड़े वैज्ञानिकों ने भी सुरेंद्र की सराहना की थी। बाकी कुछ इनोवेशन किए हैं जिसके अंदर एक तो रिमोट एरीगेशन सिस्टम है, दूसरा रिमोट ऑपरेटेड वाटरिंग सिस्टम है और इसके अलावा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नई डिजाइन का मैंने कचरा पात्र मशीन तैयार किया है। इसके अलावा काफ़ी कुछ मैंने इनोवेशन किए हुए हैं जो कि मैंने अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में पेटेंट करने के लिए अप्लाई भी किया और वो अभी नेक्स्ट ईयर पेटेंट होने वाले भी हैं। हजारों ख्वाहिशों को पाले सुरेंद्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते जा रहे हैं। सुरेंद्र ने जहां पढ़ाई की वहां के प्रिंसिपल भी उनके साथ मिलकर विकलांगों की मदद करने के लिए काम करना चाहते हैं। प्रिंसिपल से जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि वो एक ऐसा ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं जो विकलांगों के हितों में काम करे। मैं सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर के विवेकानंद स्कूल के अंदर रावसर क्षेत्र के जो 22 बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए और विज्ञान में अंदर उनकी रुचि पैदा करने के लिए नए नए आविष्कार बनाने के लिए सुरेंद्र सिंह अपने स्कूल के अंदर एक ऐसा ग्रुप बना रहा है ताकि उन अपाहिज बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके, वो आगे बढ़ सके। सुरेंद्र ने आइडिया दिया कि क्यों न सर हम एक ऐसा ग्रुप विकलांग बच्चों का बनाएं जिससे कि अपाहिज बच्चों को आगे बढ़ने में मदद हो, इसलिए वो एक ऐसे ग्रुप की तलाश में है और हमने ऐसे ग्रुप की कुछ तलाश करने के लिए कुछ बच्चों से संपर्क भी किया है और जल्दी ही हमारा ग्रुप बनकर के तैयार हो जाएगा। परिवार का नाम रोशन करने में जुटा है बेटा। पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं सुरेंद्र। जिसका बेटा इतना लायक हो उस पिता का सिर तो हमेशा गर्व से ऊपर रहेगा, लेकिन पिता कहते हैं कि उन्होंने अपने लायक बेटे को नालायक समझा था। बचपन में वो नए नए आविष्कार करने के चक्कर में उन्हें डांटते थे, लेकिन जैसे जैसे सुरेंद्र के आविष्कार ख्याति पाते रहे पिता के दिल में सुरेंद्र की जगह मजबूत होती गई। सुरेंद्र के दोस्त भी उन पर फक्र महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसे दोस्त पर फक्र है जो अपने आविष्कारों से समाज को एक नई दिशा दिखा रहा है। सुरेंद्र के परिवार के और लोग भी कहते हैं कि सुरेंद्र ने अपनी प्रतिभा से उनका नाम रोशन किया है और वो चाहते हैं कि सुरेंद्र दुनिया भर में देश का नाम भी रोशन करे। सुरेंद्र मैं 5वीं क्लास में पढ़ते बीच में फौजी आया, फौजी आने के बाद में फौजिया कहो इन्हें 20 को दे बोगरे और लड़को एक दिन वैज्ञानिक बन जाओ, बाद में मैं थोड़ा 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 इन सहयोग दे बोगरे, बाकी चीज तोड़ तो गयो आगे बच तो गयो, फिर इन्हें ज्यादा सहयोग देता गया जो 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 और गए काम कर तो गयो। बहुत खुशी है, हमारे काम का नाम रोशन कर दिया, हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया, हमारे को बहुत खुशी है। सुरेंद्र ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन अब उन्हें सरकार से प्रोत्साहन की दरकार है। हालांकि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उनके प्रोजेक्ट देखे हैं और तभी से पेटेंट होने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन सुरेंद्र हमारे समाज के उस वर्ग को सीख देते हैं जो अपने बच्चों को परीक्षा और प्रतिशत की दौड़ में दौड़ाना चाहते हैं, क्योंकि 12वीं में फेल होने के बाद भी उन्होंने सभी को अपने आविष्कारों से चकित किया।
सुरेंद्र के आविष्कारों की फेरिस्त लंबी है। इसमें मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक सेक, शरीर पर वाइब्रेशन और इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए सेक करने की मशीन, रिमोट कंट्रोल रोबोट, वायरलेस मोबाइल चार्जर जैसे तमाम आविष्कार सुरेंद्र को खास बना देते हैं। अब उम्मीद यही है कि सरकार उनको और प्रोत्साहित करे जिससे कि वो देश का नाम रोशन कर पाएं और वो अभिभावक उनके आविष्कारों से सीख लें जो नंबरों की दौड़ में अपने बच्चों को दौड़ा रहे हैं। रावतसर से भूपेंद्र असीजा के साथ स्पेशल डेस्क समाचार प्लस। सुरेंद्र के प्रतिभा को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि मरुधरा में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।